नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ मोहम्मद मोहसिन। उत्तराखंड में जो पंचायती चुनाव हुआ था उसमें देहरादून जिला से बुढ़ी गांव से हमारे साथ जिला पंचायत के पति जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, जिनका चुनाव निशान जो है कैंची था, यहां से भारी मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की। सबसे पहले तो इनसे जानते हैं इनका परिचय क्या है और क्या ये जनता को संदेश देना चाहते हैं। शुरू में आपका परिचय क्या है? मैं जिला पंचायत पति हूँ, सहवान अली बॉबी मेरा नाम है। मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत भी रहा हूँ यहाँ से, और मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक ये डंफर वाला कार्य जो ट्रेजिंग ग्राउंड है, मैं इसके लिए अपील करना चाहता हूँ अपनी क्षेत्र की जनता से, सब मेरे साथ आए और इसमें जो ये डंफरों का है दिन में चलने का, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बीमारियों का भी बड़ा हो रहा है, कभी पहले इतना हमारे यहाँ बीमारी का नहीं रहा है, तो उसमें जो है इसका कोई समय सीमा तय की जाए जो रात में चले हैं, या पहली तो यही है कि ये ना ये हट ही जाए यहाँ से, अगर सरकार में ये पॉसिबल हो तो हट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इसका डंफरों का समय सीमा तय की जाए, निर्धारित की जाए। हाँ। और कोई भी टाइम इसका रात में किया जाए। जैसे पहल तो आपने बता दिया इन कार्यों को लेकर रहेगी, ये जो यहाँ से डंपर जो कूड़े के जो डंपर जा रहे हैं उनका जो समय निर्धारित किया जाए, और क्षेत्र के प्रति या जिले के प्रति, जैसे आप जिला पंचायत हैं तो क्षेत्र के प्रति आपकी क्या पहल रहेगी कि क्षेत्र में सबसे पहले विकास की और अपने क्षेत्र को ले जाने के, उसमें आप किन कार्यों पर पहल रखेंगे? क्षेत्र में गांव में समस्याएं क्या होती हैं, लाइट पानी बिजली, मेरा सबसे पहले तो यही है इन चीज़ों पर हम ध्यान दें और कार्य करें। और क्षेत्र में यही समस्या है, शिक्षा है, शिक्षा में कोई कॉलेज के यहाँ पे वो अपना खोला जाए कुछ भी करके, डीएवी कॉलेज जैसे यहाँ दूर पड़ता है बहुत ज़्यादा, इस तरफ जगह भी है, ग्राम समाज की जगह भी है, तो वहाँ पे कोई कॉलेज की यूनिवर्सिटी वगैरह ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह खोली जाए। ये स्वास्थ्य के प्रति आपका क्या रुझान है, जैसे यहाँ पर ये ट्रीचिंग ग्राउंड भी है, इसकी वजह से ज़्यादा डेंगू तो आम बात हो गई है, डेंगू हर किसी को हो रहा है, तो गरीब आदमी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा नहीं सकता और सरकारी हॉस्पिटलों में आप देखेंगे देहरादून दूर में भी जो है काफ़ी भीड़ रहती है, तो इसमें आपके प्रति क्या विचार हैं, क्या सोच है आपकी? हमारे यहाँ बुढ़ी गांव में भी है एक चिकित्सालय, या तो यहाँ बना दिया जाए, या परवल जगह है जैसे चकमनसा है, काफ़ी जगह है हमारे यहाँ, यहाँ बना दिया जाए। और डेंगू की समस्या तो मैं आपको बताता हूँ, मैं वोट मांगने गाँव गया हूँ तो मुझे हर दूसरे घर में डेंगू का मरीज मिला हुआ, हर दूसरे घर में मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने, क्योंकि मैं घर घर गया हूँ, हर दूसरे घर में मरीज था, और पेलियों में तो हमारे यहाँ पे हर घर में ही था। जैसे अभी हमारे जो विधायक साहब हैं शहदेव सिंह कुंडेर जी, उन्होंने कैंप भी लगवाए थे, तो उनमें भी जो है पर डे कभी 15 आदमी, कभी 20 आदमी, कभी 19 आदमी, इस तरह से जो है डेंगू का जो उन्होंने वो निकाला है, यहाँ से मरीजों की जो गणना हुई कि यहाँ से इस ग्राम सभा से इतने मरीज जो है बन रहे हैं, तो उस बारे में कोई छोटा या स्वास्थ्य केंद्र 10 बेड का कोई हो, एक एम्बुलेंस वगैरह को कोई इंतजाम हो, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये यहाँ होना चाहिए, ये कहीं भी कर लो, मैं कह रहा हूँ कि बुढ़ी गांव में भी है, और कहीं देख लो चकमनसा में जगह है, बहुत जगह है यहाँ पे, ग्राम सभा की भी जगह है, कहीं बनवा दिया जाए या खोल दिया जाए, ये तो विधायक जी को करना चाहिए इस चीज़ के लिए। और विधायक जी जो है इस मामले में थोड़ा सबसे पहली बात तो ये करें कि एक ट्रेचिंग ग्राउंड में लोगों का साथ दें, और इस वजह से हमारे यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं, और कभी हम चलते हैं देहरादून से अपना बुढ़ी गांव की तरफ तो माजरा से जो भी हम किसी डंपर या के पीछे होते हैं तो हमें आना बड़ा भारी पड़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है, मुझे क्या आम पब्लिक को तो बहुत दिक्कत होती है, चलो अभी तो कार है, इस पे कार घोड़ा है, और जो बेचारा बाइक पे आ रहा है, पैदल आ रहा है, मार्केट वाले हैं जिनकी दुकानें हैं, होटलें हैं, खाने का है, सब दुनिया में बहुत परेशान है, और इसमें लोगों की सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ, विधायक जी को इसमें आगे आना चाहिए और लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। जैसे पोबी जी, देखा जा रहा है कि रामगढ़ साइड में एक बरसाती नाला भी है, जिसमें बरसात में जब पानी आता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, और जो बड़ी समस्या से एक क्षेत्र को जूझना पड़ता है बरसाती नालों के, उससे तो उसमें आपके क्या विचार हैं, उनका क्या किया जाएगा, इलाज होगा उनका कुछ, ऐसे ही वो हर बरसात में बहते रहेंगे? इसमें हम आवाज़ उठाएंगे, और हम इसमें चाहे हमें मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़े, हम इसमें करेंगे, जो भी ये पहले बने हुए हैं, ये शायद हमारे अब नहीं रहे साधुराम मंत्री जी थे,
उनके द्वारा ये कार्य किए गए थे, एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री जी थे, उसके बाद विकास की कम लहर रही है हमारे यहाँ पे। अब हम विधायक जी से इस बात की तैयारी में, अब हम बने हैं तो जनता की बात को रखेंगे, जाएंगे जहाँ तक धरना देना पड़ा धरना देंगे, जैसा भी होगा हम इसमें करेंगे। जैसे आपको यहाँ की सामान्य जनता ने जैसे जिला पंचायत बनाया है, तो उसके लिए जैसे त्यौहार आ रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं त्यौहारों के प्रति? सबसे पहले तो मैं दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यही करता हूँ कि सुख शांति से ये त्यौहार मने और चलता रहे। और मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा आपको कि मैंने अपने क्षेत्र में एक चीज़ को बहुत नज़दीकी से देखा है। मैंने ये देखा है कि अभी मैंने चुनाव लड़ा है, मेरे यहाँ 3,000 मोमडन हैं, मगर मुझे 5,505 वोट पड़े हैं, उसमें मुझे 3,000 प्लस मेरे हिंदू भाइयों ने वोट किया है। और मैं मानता हूँ हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं, ऐसा नहीं मानता, विकास की तरफ लोग चलते हैं, विकास की तरफ वोटिंग करते हैं, ये हमारे लोगों ने दिखा दिया। और हमारे क्षेत्र में कोई ये विवाद भी नहीं है, कुछ लोग होते हैं हर जगह होते हैं, मगर ऐसा हमारे यहाँ असामाजिक तत्व तो हर जगह होते हैं, असामाजिक तत्व जी। तो अपील क्या करना चाहते हैं अभी जनता से, लास्ट पहलू चल रहा है, तो अपील क्या है जनता से? मेरी जनता से यही अपील है, सब साथ चलें, मिल के चलें, और इस क्षेत्र के विकास में हमारा भी हाथ बढ़ाएं। जनता ही है, जनता जनार्दन होती है, जो जनता चाहती होता वही है, हम तो उनके एक पहलू हैं, वो हमें, उन्होंने ही हमें आगे किया है, वही हमें पीछे करेंगे, जो भी करेंगे हम जनता के साथ। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है यहाँ इतना विकास करें कि आप 5 साल नहीं बल्कि यहाँ से सारी ज़िंदगी जो है जिला पंचायत का पद संभाले रखें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को लेता हूँ विराम। नमस्कार, जय हिंद, सबक है।